या हाय एवरीवन, दिस इज फुरकान एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइट नाउ मैं कल्याण के तबेले में आ रहा हूं। सो गाइस, अभी हम लोग है रीति बंदर में कैश भाई के साथ में। कैश भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजान होने देते, फिर बाद में करते हैं। तो कैश भाई, ये वीडियो में लोगों को क्या देखने मिलेगा, मतलब ऐसा स्पेशली? ये फुरकान भाई अपना पाड़ा है तबेले का। अच्छा, लास्ट टाइम भी कवर किए थे, याद है? लास्ट टाइम भी कवर किए थे, वही नस्ल का हरियाणा। अच्छा, तो क्या है, वही है क्या, दूसरा है? नहीं नहीं, वो दूसरा है, वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा था। अच्छा, वो बिका तुम्हारे चैनल के थ्रू ही बिका था। अच्छा अच्छा, ये भी इस साल के लिए है। अच्छा, ये फुरकान भाई 100% रिजल्ट है। हाँ, ये रिजल्ट हमको मिला है। अच्छा, अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए ना तो वो भी ले सकता है। अच्छा, इसका क्या डिटेल्स है? ये तो पाड़े का अपने को कैसा है, साल भर तो अपन कभी कवर करते नहीं है। छेद आते, छेद आते, छेद आते। हाँ, ये 750 या 800 किलो वजन होगा। 800 किलो रहना चाहिए ना? 800 किलो रहेगा। अच्छा। कम बोले अच्छा फुरकान। नहीं नहीं, सही है। जिंग बिंग भी देख सकते हैं आप। ये कौन से मुर्रा नस्ल का है? हाँ, ये मुर्रा नस्ल। बहुत हाइट है यार ना, इससे और ज्यादा हाइट भी आती है। ये क्या मतलब, अभी बढ़ेगा हाइट इसमें? बढ़ सकता है फुरकान भाई, छेद आते। लेकिन ये मैं बोलूंगा, ये बहुत खाली जानवर है 800 किलो के हिसाब से। ये आप गए टाइम किए तो कुछ टन के भार था वो बड़ा था ना, ब्रीडिंग के लिए रखने का ना, ब्रीडिंग के लिए रखे ना फुरकान भाई, इसके लिए ज्यादा तैयार नहीं की। ये बात सही है, भैंस को तकलीफ होती। अच्छा अच्छा, सही बात है। गुस्से वाला है ये? नहीं नहीं, फुरकान भाई ठंडा जानवर, फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली। लेके घर पे पाल सकते हैं इसको, पालने का पाल भी सकता है, कुर्बानी करने का कुर्बानी भी कर सकता है। इसकी कुछ डिमांड रखे इस बात ने? ये प्राइवेट में बताएंगे फुरकान। तकरीबन क्या रेंज रहती है लेकिन इनकी? सबके अलग अलग है, फुरकान में प्राइवेट में बताएंगे। अच्छा रहे 50,000 60,000 ऐसा कुछ तो एक आइडिया तो दो यार, इसमें बकरे का कैसा मालूम रहता है? ऊपर का पर्सनल में बताएंगे ना, नंबर रहेगा ना। हाँ, उसमें बताएंगे। अच्छा, गए टाइम शायद से आपने डिस्क्लोज कर दिए थे वीडियो में, उससे मतलब थोड़ी तकलीफ हुई थी। हाँ, और कुछ इसमें पूछना जो मेरा रह गया ऐसा कुछ? नाम, अरे हाँ, सबसे पहले नाम क्या है कुछ? इसका नाम मस्तान रखे। मस्तान ना, नहीं तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ती थी मेरे को। उसको ब्रीडिंग के लिए रखे ना तो उसको तेल अंडा वगैरह भी देना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन आदमी है। हाँ, राम बाबू, ये यही करता है सब उसका। अच्छा, तेल अंडा देना पड़ता है, वो देते, वो दूध की गज्जी आती है वो देना पड़ता है दाने में। मतलब अंडा कितना खाता रहेगा? कैल्शियम देना पड़ता है। अंडा कितना खाता रहेगा? इसको गांवठे अंडे देना पड़ते है, पाँच पाँच बस होते क्या उसको? पाँच तेल के अंदर डाल के ये बस होते? पाँच बस होते, ज्यादा देंगे तो भाई फिर अपने को मारने लग जाएगा। ऐसा है क्या? लेकिन बहुत प्यारा दिखता है, लेकिन वो तो ऐसा मेंटेनेंस वगैरह कैसा रहता है इनका? कुछ नहीं भाई, तबेले में जैसे भैंस रहते ना, भैंस के साथ ये भी दाना खाता है, लेकिन इतना है कि इस पे ध्यान हमको थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, और इसका डाइट क्या है ऐसा सुबह से लेकर रात तक देखा जाए तो? दाना खाता है भाई, सुबह में दाना खाता है, फिर दाने के बाद पेंडा खाएगा, पेंडे के बाद फिर वापिस शाम में दोपहर में दाना खाएगा, फिर हरा पत्ता आता है तो अपने तबेले में। अच्छा, वो फ्लावर का पत्ता खाएगा। अच्छा, तो इसकी ब्रीड लिए है ना आपने? ब्रीड लिए, 100% रिजल्ट मिला है। मतलब 100% ऐसा, मतलब अगर अपन ब्रीडिंग करते ना तो भैंस गाभिन जो निकलते ना, तो माशाल्लाह अपने बहुत भैंस गाभिन निकली। अच्छा, और बच्चे कितने, एक ही निकलते हैं दो निकलते हैं कभी? बहुत कम भैंस फुरकान भाई दो देते। इसके निकले कभी दो? अबे अपने तबेले में 200 भैंस बंधे ले, कई हजार भैंस तो आके चले गए, 25 साल से तबेला है। तो अभी तक खाली हमारे तबेले में एक ही भैंस आई है जिसने दो बच्चे दी थी। अरे गाभिन आई थी और अपने तबेले में दो दी थी। अरे माशाल्लाह। अच्छा, इसके बच्चे है अभी अपने तबेले में? नहीं, इसके बच्चे नहीं, नहीं है अभी। इसके जो ब्रीडिंग ले रहे ना तो प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो ये एक ही है अपने पास, क्या और भी है? एक ये है और एक दूसरा है, वो दूसरे नस्ल का है ना? दूसरे नस्ल का है। अच्छा, ये नस्ल पंजाब की है ना? ये पंजाब हरियाणा। अच्छा, तो इसको थोड़ा घुमा फिरा के बता दो ना, क्या पहली बार आया, क्या आते रहता है? नहीं आते रहता है, ब्रीडिंग के लिए रखना पड़ता है ना। हाँ, तो वैसे इसको शेयर वेयर करानी पड़ती है कि नहीं, चलाना पड़ता है कि नहीं? नहीं, एक्सरसाइज करनी कराना पड़ता है। हाँ, हफ्ते में एक आध टाइम उसको मतलब हम लोग चलाते हैं और उसको मालिश भी रखती है। हाँ ना,
जबरदस्त है। जबरदस्त है। और कुछ ओएस भाई बताना चाहेंगे? कोई भाई सामने है। अच्छा तो नंबर किसका, आपका दूँ या आपके भाई का दूँ? भाई का ही, भाई का ही देगा। अगर ये वाला देखना आना रहेगा तो कल्याण का तबेले में आ जाओ तुम और फोन कर लेंगे। सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट रहेगा ना, बेस्ट रहेगा, ज्यादा तुम भटक नहीं सकते। और टाइमिंग बंदर पे आओ, फोन कर दो। टाइमिंग क्या रहेगा आने का सबसे अच्छा वाला? और आपको कॉल करने का, कॉल करने का भी कोई भी टाइम पे, कोई भी टाइम पे चलेगा फ्रेंड। कैस भाई का, ओएस भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए तो फ्रेंड्स मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ आपको ऑनलाइन देखनी है पर्सनली आके भी आप देख सकते हो। माशाल्लाह पर्सनली आओगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी लगेगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बकरा किंगडम का। बाजू के तेज बेल आइकन को भी दबाए ताकि मैं जो भी नई वीडियोज डालूं आपको पहले मिल सके। प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू। हो गया ना बात, पट 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 दूसरा लेके